ये कहाँ जाएगा भाई? साकेत एक्सेप्ट करते हैं। ये भाई देखो छोटी सी राइड आ रही है, पता नहीं मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा इंसेंटिव वाला। ये मेरे पास देखो पार्सल आ रहा है रैपिडो का, बट यार मैं पोटर का ऑर्डर लेकर जा रहा हूँ तो मैं पार्सल छू नहीं सकता। वो रैपिडो में पार्सल आ रहा है 260 रुपये का भाई, ये देखो भाई 240 रुपये, सॉरी 246 रुपये टोटल। अब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भाई साहब आज मैं करने वाला हूँ रैपिडो, क्योंकि रैपिडो में मैंने 20 राइड वाला सब्सक्रिप्शन लेके देखा है, पहली बार कोई सब्सक्रिप्शन लिया है। रैपिडो बोला है कि आप हम आपसे 20 राइड पर कोई कमीशन नहीं लेंगे, ये कितना सच है वो तो भाई करके ही पता चलेगा। और साथ में मैंने भाई राइड के लिए ले लिया है ये हेलमेट, आपको याद होगा यार ये पोर्टर वाला हेलमेट है जिसको मैंने खराब कर लिया है। बाकी ठीक है यार कि अब इस पर कुछ पता नहीं चल पा रहा, काला हो गया है, अब कोई इतना खास पता नहीं चल पा रहा है। ये देखो कि ये मतलब कि कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक पुलिस वाला देख ले और भाई ये तो बाइक टैक्सी भी चला रहा है, तो भाई चालान से बचने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, तो हेलमेट कर लिया मैंने खराब। बाकी चलते हैं रैपिडो के साथ में, देखने वाले कैसा दिन होने वाला। अब खोलते हैं अपना रैपिडो साथ में, ये लो भाई रैपिडो को भी कर देते हैं ऑनलाइन। ये लो भाई हाई डिमांड ऑन कर देते हैं और अभी टाइम देख लो 9:25 हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ अभी। मीटर की रीडिंग भी साथ में देखोगे तो 99,762 चली हुई है और देखते हैं पहली राइड कितनी देर में आता है। 9:25 हो रहा है अभी 26। भाई पहली राइड हमारी एक्सेप्ट हो गई है, कैसा कैलाश कॉलोनी लेके जाना, कि हमें ये देखना है कि भाई रैपिडो कमीशन काट रहा है या नहीं, तो फटाफट चलते हैं इनको पिकअप करने और करते हैं इनको ड्रॉप। भाई ये राइड थी 90 रुपये की जो कम्प्लीट करी हमने, तो इस पर हमें देखते हैं कितने रुपये रैपिडो ने दिए। 0 कमीशन बोला था, 84 रुपये दिए। जो हमने ट्रिप कंप्लीट करी है उसका डिस्टेंस दिखाया इसने 9.5 किलोमीटर, 26 मिनट हमें लगे और 90 रुपये कस्टमर से लिए, 84 रुपये हमें दिए। इसने काटा है भाई साहब, कहाँ गया इसका, कहाँ काटा भाई इसने पैसा, कहाँ दिख रहा भाई, इन्हें तो दिखा नहीं। देखो पूरा प्लेटफॉर्म चार्ज 0, बट हमने तुम्हारे वो वाले पैसे काट लिए भाई, ये टैक्स, अच्छा टैक्स काट रहे हैं ये खाली, जैसे ऊबर वगैरह में कटता है ना गवर्नमेंट टैक्स काट रहे हैं भाई, ये 4.5 रुपये काटे ना। बाकी वही है कि भाई ये जो 18% काटते हैं वो ख़त्म हो जाएगा अगर तुम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 20 राइड का, सिर्फ 20 राइड। ये कहाँ जाएगा भाई? साकेत एक्सेप्ट करते हैं। ये लो भाई एक्सेप्ट कर लिए और यहीं से लेना, फटाफट चलते हैं पिकअप करने इनको और इनको भी करते हैं ड्रॉप। ये जो जा रहा ना ये बंदा, ये है इसने बुक करी थी, इसने देखो ये निकल गया किसी और के साथ और यहाँ कैंसिल मार दी इसने, ऊबर पे रैपिडो पे दोनों पे डाली थी भाई, जो पहले आ गया उसके साथ निकल गया, तो भाई कस्टमर तो अपना फायदा देखते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कर देना अभी मैं यही सुना देता ना इसे भी। ठीक है दिखा रहा भाई, टोटल 22 रुपये की राइड है भैया, देखो नया अपडेट 22 रुपये की राइड टोटल बाइक मेट्रो, तो पागल हूँ मैं 22 रुपये में लेके जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता है, मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अबे हैं मजे ले रहे रैपिडो वाले। ये भाई देखो छोटी सी राइड आ रही है, पता नहीं मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा इंसेंटिव वाला। ये भाई मैंने एक्सेप्ट कर ली है, चलते हैं इनको फटाफट पिकअप कर रहे हैं और इनको ड्रॉप करते हैं। भाई ये राइड भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 5-स्टार रेटिंग के साथ में करते हैं कंप्लीट। और कितने रुपये रैपिडो इसके हमें देता है? 1 रुपये कैश कलेक्ट बता रहा है, छोड़ यार 1 रुपये को तो ऐसे ही मारो ख़त्म करो, हल्ली बिल्ली पे डन ना। हाँ यार 1 रुपये होता भाई, कितना 34 रुपये दिए भाई, और मेरी जान ये तो मजा कर दिया देखो, ए भाई ए मजा कर दिया, ये सही दे दिया भाई, छोटा डिस्टेंस के 35 रुपये दे दिए भाई मुझे, ये सही था गुरु, 2.96 किलोमीटर दिखा दिया, 38 रुपये दे दिए भाई, नहीं नहीं 38 रुपये की ट्रिप बनी, मेरी अर्निंग हुई 34 रुपये की। चलो ये सही, आप सोचोगे यार कि पिकअप करते हुए ड्रॉप करते हुए क्यों नहीं दिखाया, भाई इसके लिए मुझे चाहिए 10K सब्सक्राइबर ताकि मैं GoPro ले सकूं और उससे फिर कस्टमर से मैं कैसे बात करता हूं, किस तरीके क्या बोलचाल है वो सब आपको तब देखने को मिलेगा जब मैं GoPro ले लूँगा भाई। GoPro के लिए चाहिए मुझे 10K सब्सक्राइबर, तो करा दो फटाफट, बाकी एक राइड और मारूंगा तो मेरा इंसेंटिव मिल जाएगा, मुझे अर्निंग हो गई है 119 रुपये की अभी तक। भाई ये राइड एक्सेप्ट कर ली मैंने, मोहम्मदपुर की है, फटाफट चलते हैं इनको पिकअप करने, यहाँ पे बन रहा कस्टमर होशियार,
ये राइड एक्सेप्ट कर ली मैंने, लोकेशन पे पहुंचा तो ये चाबी दे दी मुझे, बोला ये ले जाओ। मैंने बोला भाई डिलीवरी चार्ज अलग होता है, वो कह रहा है भाई मुझे भी तो लेके जाओगे। मैंने कहा भाई तुम्हें ले जाने वाली बात अलग हो गई, भाई इसमें भेजोगे तो अलग लगेगा पैसा। तो बोला कितने रुपए, मैंने कितने दिखा रहा, बोला 65 रुपए, 10 रुपए किलो। मैंने भाई रुपए लगेंगे 100। वो बोले क्यों, मैंने भाई पैकेज में उसमें बुक कर लो ना, फिर रैपिडो पार्सल में बुक कर लो, उसमें देख लो कितना चार्ज दिखा रहा। तो भाई तुम्हारा भाई गेम खेल गया, ये ले लिए 100 रुपए ये रहे, 20 ये रहे 50 ये रहा। मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, जो जेन्युइन है वो मैंने लिया है, ये रहा चलो डिलीवर करने चलते हैं इसे, और पैसे को रखते हैं जेब में। ये देखो 20 50 20 10, ठीक है भाई। कभी भी भाई डिलीवरी में पार्सल मत लेके जाओ, पार्सल है तो फिर पार्सल वाला चार्ज लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई जो चाबी लेके आया था वो मैंने दे दी है, अब इसको करता हूँ कंप्लीट। देखो 62 रुपये दिखा रहा है, पर हमने कितने लिए 100। करो कंप्लीट कैश कलेक्ट भाई, बिल्कुल भाई मैं खींच के लिया करो, कोई वो तो फ्री सेवा थोड़ी ना कर रहा भाई। रेटिंग 5 स्टार दे दूंगा, कोई बात नहीं, पैसे तो मैंने लिए हैं। ये लो भाई इस पे भी काटे 4 रुपये का, अरे हर ट्रिप पे 4 रुपये काटेगा क्या भाई, कितने काटे। अच्छा इंसेंटिव भी ऐड हो गया, 200 की अर्निंग हो गई, 40 हमने वैसे एक्स्ट्रा ले लिए, 240 कमा लिए अभी तक हमने। अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ गया, 17 राइड और बची हैं। ये देखो 57 रुपये दिए भाई इसके हमें, देखो 62 की बनी थी, टैक्स काटा 3 रुपये, मतलब टोटल 4 रुपये काटे इन्होंने, और 62 रुपये हमें मिले, 57 है ना, यही ना हमारी अर्निंग। ये देखो भाई मतलब काट रहा है टैक्स तो काट रहा है थोड़ा बहुत, बाकी मैंने वो वसूल कर लिया जितना सब्सक्रिप्शन लिया था ना मैंने, 20 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया था, 27 का इंसेंटिव लूट लिया भाई 200 रुपये की कमाई हो गई भाई। ये देखो बाकी अब वेट करते हैं, यहाँ से जाना नहीं है, चाणक्यपुरी लेके जाऊँ क्या, लीला पैलेस, लीला लीला ईला मीला लीला। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये राइड एक्सेप्ट कर ली मैंने छोटी सी रैपिडो में, डिफेंस कॉलोनी की है, मैं सोचा यार कि कर लेते हैं छोटी छोटी, इन्हीं में काम करते हैं तो इनको भी फटाफट करने चलते हैं पिकअप, इनको भी करते हैं ड्रॉप। ये राइड भी हो चुकी है कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ में, मैं करता हूँ इसको कंप्लीट, और 55 रुपये कस्टमर से ऑनलाइन लिए और हमें मिले इसके 51 रुपये। ये देखो आप 51 रुपये मिले भाई, और मेरे मन में तो ये आ रहा है कि आज क्यों ना पूरे दिन रैपिडो ही करा जाए, क्योंकि ये देखो 5.4 किलोमीटर के हमें मिले 51 रुपये, प्लेटफॉर्म चार्ज 0, बाकी 20 राइड तक तो हमारा भी फ्री है ही। बाकी हम कितनी राइड कर चुके हैं, 4 राइड कर चुके हैं, 16 और कर दूंगा तो मुझे वीकली इंसेंटिव भी मिल जाएगा। इंसेंटिव कहाँ गया, ये गया, अरे इंसेंटिव मेरे भाई, अर्निंग थोड़ी ना कह रहे हैं इंसेंटिव। ये देखो वीकली इंसेंटिव है ना ये, इसमें देखो 15 और बोल रहा है कि अगर मैं 15 और कंप्लीट करूँगा, आ भी गए मेरे पास में, ये कहाँ जाएंगे भाई, मोतीबाग एक्सेप्ट करो और छोड़ते रहो, आज भाई रैपिडो ही चलेगा पूरे दिन। अब लो भाई रैपिडो की ये राइड भी हो चुकी है मेरी कंप्लीट, करता हूँ डन, अर्निंग 300+ हो गई होगी सब मिलाकर। ये लो भाई 328 रुपये की अर्निंग हो गई, बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में फिलहाल। अभी रैपिडो को जितना बुरा समझता था मैं उतना बुरा भी नहीं है मैं इतनी बुराई भर भर के मारता था, बाकी वो ये कभी कभी टाइम टाइम की बात है, सबके दिन आते हैं भाई। 72 रुपये मिले मुझे इस राइड के, और कितने किलोमीटर थी ये, 8 किलोमीटर थी, 8.2 किलोमीटर, 18 मिनट टोटल लगे मुझे, और ये 78 की बनी थी, टैक्स काटा कितना काट दिया भैया टैक्स तुमने, 3.8, बाकी कुछ कुछ काट काट के मुझे 72 रुपये मिले बाकी। और वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का, इस तरीके से आज हमारा पूरा रैपिडो के साथ दिन जाने वाला है, बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि पता चलेगा आज रैपिडो में फुल डे में कितनी अर्निंग होगी। ये लो भाई राइड एक्सेप्ट कर ली तुम्हारे भाई ने, थोड़ी लंबी राजा गार्डन की तरफ, मतलब राजा गार्डन, मोहन गार्डन, टैंगोर गार्डन, ये गार्डन, वो गार्डन, ले गार्डन, दे गार्डन उधर की तरफ की एक्सेप्ट कर ली मैंने भाई। अब इनको फटाफट पिकअप करके लेके चलते हैं, ड्रॉप करते देखते हैं इसके कितने पैसे देता है, कितने किलोमीटर की ये राइड है भाई। जैसे ही राइड ड्रॉप करी, ड्रॉप करती मेरे पास नेक्स्ट राइड भी आ गई है, फिलहाल मैं उसकी दिखा दूँ, 18 किलोमीटर की वो राइड थी, कितने पैसे मिले भाई। ये देखो 18.3 किलोमीटर की राइड थी, 45 मिनट लगे हमें, 173 का बिल बना और हमारी अर्निंग हुई 163 रुपये इस पे। तो नेक्स्ट राइड आ गई है और अभी तक हमारी अर्निंग हो चुकी है 396 रुपये। तो चलते हैं नेक्स्ट राइड की ओर।
नहीं 396 नहीं, ज़्यादा होगी, गलत दिखा रहा है, बाद में दिखाएंगे, पहले इसको करते हैं कंप्लीट। तो भाई 5 किलोमीटर की ये राइड थी, कंप्लीट हो गई। 52 रुपये थे पर हमने 85 रुपये मिले हैं, कोई बात नहीं, 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी 20 मिनट लग गए भाई मुझे इसमें, तो भाई रैपिडो को पैसे ज़्यादा देने चाहिए भाई मुझे इस पर, 52 से ऊपर दो भाई पैसे, पैसे बढ़ा के दो भाई मुझे, ऐसे मज़ा नहीं आएगा इस पर। 4 रुपये काट लिए भैया, कितने रुपये या 548 रुपये की अर्निंग हो गई, और इस राइड पे हमें कितने पैसे मिले भाई, 56 रुपये। ओ भाई देखा, बढ़ा दिए, मैं बोल रहा था टाइम लगा भाई इस पर, पैसे बढ़ा के दो, मुझे नहीं पता कैसे भी करो। 4.69 किलोमीटर था पर टाइम बहुत ज़्यादा लगा इसमें, आपको मैं दिखा दूँ टाइम कहाँ लगा, देखो ये देख रहा हो, 20 मिनट लगी बहुत ज़्यादा। अब ये देखो हमें इस पर ये बनी 56, टोटल अर्निंग हमारी 56 रुपये, ट्रिप फेयर 52, और हमें कितने मिले, हमें कितने मिले, कहाँ गए, हमारी अर्निंग ये है, बाकी जितना बना हमें कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना। तो अब नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं, बाकी अभी तक दिन बहुत अच्छा रहा है। ये देखो 548 रुपये की अर्निंग हो गई है, और टाइम अगर आपको पता हो तो, मुझे नहीं पता कितना है, बाकी आप कैलकुलेट कर लो। बाकी वेट करते हैं, मज़ा आ रहा है, मतलब रैपिडो आज मेरा दिन बना देगा। तो यहाँ पर आया है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि मैंने पोर्टर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। कर कहाँ कर लिया ये मैं आपको बता देता हूँ, 375 रुपये गुड़गांव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये सुशांत लोग सेक्टर 57, कोई बात नहीं, 375 रुपये का ऑर्डर है, क्योंकि अब हमारे पास में है रैपिडो भी, तो अब हमें गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम रैपिडो मार लेंगे वहाँ पर, क्योंकि हमारा हमने सब्सक्रिप्शन प्लान जो ले लिया है। चलते हैं फटाफट ऑर्डर को पिकअप करने पोर्टर का। भाई पार्सल हो चुका है पिकअप, एक बार इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अरे भाई साहब 1 घंटा 7 मिनट जाने में लगेंगे, और मैंने इसके साथ साथ में ना भाई रुको, एक डिस्टेंस और कम है, ये भी सेम ही है लगभग 34 ही किलोमीटर है। मैंने इसके साथ साथ ना रैपिडो में लोकेशन सेट कर दी है सेक्टर 57 की, अगर कोई राइड भी मिल गई तो वो भी ले जाऊँगा भाई आज मैं। तो चलते हैं फटाफट इसको पार्सल को डिलीवर करते हैं। बैग में रख लिया, बोल लो दिखाते नहीं है, इनवेलप है, अब उसका क्या दिखाना, कोई बांधता हूँ तो दिखा देता हूँ। ये मेरे पास देखो पार्सल आ रहा है रैपिडो का, बट यार मैं पोर्टर का ऑर्डर लेकर जा रहा हूँ तो मैं पार्सल छू नहीं सकता, नहीं तो ये मुझे ये भी नहीं पता रूट का था क्या। देखो मैंने गुड़गांव की लोकेशन लगा रखी है भाई, गुड़गांव का कुछ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खाली पोर्टर का तो ऑर्डर लेके जा ही रहा हूँ। चलो भाई पोर्टर का ऑर्डर हो चुका है अपना कंप्लीट, यहाँ पर हमने दिया है इसको 5-स्टार रेटिंग के साथ में, ये करते हैं कंप्लीट। ये लो भाई अभी दिखाते हैं कितने किलोमीटर था, 34 किलोमीटर के हमें कितने पैसे मिले पोर्टर के अंदर कमीशन कटने के बाद में, जल्दी से अपडेट हो जा। 300 रुपये मिल गए भाई हमें 34 किलोमीटर के, ये देखो 300 रुपये की अर्निंग हमारी ये, और हमारी अर्निंग भाई साहब रैपिडो में कितनी हो गई है 586, तो कुल मिलाकर हमारी 886 रुपये की अर्निंग अभी तक हमारी हो चुकी है। तो फटाफट फिर से दोनों ऐप को ऑन करते हैं और यहाँ पर करते हैं काम। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बीच में अपडेट देता हूँ, अभी 3 बज रहे हैं, मैं आपको अपडेट देता हूँ 6 बजे। भाई आज का प्लान तो मैंने ये किया था कि भाई रैपिडो ही करूँगा पूरे दिन, बाकी फिर जब मैं जनकपुरी बैठा था तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना फिर पोर्टर ऑन करके देख लें, क्या पता लंबा ऑर्डर मिल जाए, भर वही हुआ मेरे को गुड़गांव का ऑर्डर मिल गया, और जो मैंने अभी कंप्लीट किया 300 रुपये मिल गए, मतलब कि 1 घंटे के अंदर 300 रुपये आ गए, बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ से देखेंगे अगर कोई पोर्टर का ऑर्डर आता है, नहीं तो यहाँ पर छोटी मोटी राइड करके काम करेंगे, बाकी जो अपना टारगेट है अपना 1000+ का काम करना है, बाकी करते जाना है काम, कंपनी मत देखो हम किस में कर रहे हैं, बस काम करो। बाकी आज हमारा ये दोनों ही है पोर्टर और रैपिडो, बाकी किसी कंपनी को नहीं खोलेंगे, नहीं तो ऑप्शन में उबर भी है कुछ भी, पर नहीं सिर्फ फिलहाल आज हमारा 2 टारगेट है रैपिडो और पोर्टर। तो आ रहा है भाई साहब, एक्सेप्ट करते हैं, नया एक्सपीरियंस होगा रैपिडो का पार्सल का कुछ हमें। भाई ये एक्सेप्ट कर लिया है, पिकअप करने चलते हैं, 750 मीटर दिखा रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस वैसे मेरे रूट का नहीं है, बट मैंने इसको ले लिया ताकि कुछ नया एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा, तो चलते हैं फटाफट इसको पिकअप करने। एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, लोकेशन पे पहुंचते ही कैंसिल हो गया, 10 रुपये कैंसिलेशन फीस मिल गई, 1 किलोमीटर आया था मैं। और अभी फ़िलहाल मुझे आपको दिखाना है अर्निंग, टोटल 815 रुपये हो चुकी है हमारी रैपिडो में, और 300 रुपये हमारे हो चुके हैं भाई साहब पोर्टर में। नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पर, तो पता ही है 300 का एक ही तो ऑर्डर हमारा है, 300 और 800 ये हमारे हो रखे भाई साहब 1100 रुपये। ये देखो
1100 रुपये हो रखे। बाकी अभी टाइम देखो, 6 बजे भी बोला था ना, 6 बजे में 9 मिनट 8 मिनट कम है, बाकी ये देख लो अर्निंग 1100 रुपये की हो गई है, मतलब कि 9 घंटे में एक तरीके से। ये बज रहा पोटर, ठीक है, और इधर बज रहा हमारे पास रैपिडो। भाई हमें नहीं चाहिए कोई सा भी पैकेज का, एक बार एक्सपीरियंस ले लिया। और इधर रैपिडो बज रहा, ये बज रहा पोटर, चल तू भी निकल। सुनील सुनील, तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। वो रैपिडो में पार्सल आ रहा 260 रुपये का, भाई ये देखो भाई 240 रुपये, सॉरी 246 रुपये टोटल। अबे एक्सेप्ट हो, अबे भैया ये क्या फंस गया, वो हो गया एक्सेप्ट हो गया। चलो फटाफट पिकअप करने चलते इसको। जली ना तेरी भी जली ना। भाई रैपिडो का पार्सल पिकअप हो चुका है, ये हीटर लेके जाना है मुझे, इसको बैग में रख लेता हूँ। ये है देखो, और इसका डिस्टेंस एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, 20 किलोमीटर है, 43 मिनट लगेंगे, फटाफट खींच के करते हैं इसको डिलीवर, मतलब कि जाके देखेंगे पैसे कितने देगा हमें। पता नहीं इस पे कस्टमर का कोई ड्यू अमाउंट था या क्या था, बाकी मैं अभी दिखा दूँ, 283 रुपये का बिल बन गया था भाई ये, शायद पहला कुछ माइनस हो। ओ हो भाई अर्निंग देखो, 1000 पार हो गई हमारी तो भाई, ये तो कमाल हो गया भाई आज रैपिडो में। ये देखो भाई कहाँ गई, 248 रुपये मिले, मतलब कि हमें तो यार पूरे पैसे दे दिए यार, कोई माइनस था इनका शायद, अभी देखते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ शो करेगा। एडिशनल वॉलेट्स, मतलब कि इस पे प्लेटफॉर्म चार्ज गया मतलब, और ये 20 किलोमीटर के भाई बने 242 रुपये। ये देखो पूरा रेट देखो, ये देखो 2 किलोमीटर के बाद 13 रुपये किलोमीटर दे रहा भाई रैपिडो। बाकी चलते हैं घर जाके टोटल अर्निंग बताते हैं आपको। भाई टाइम देखो 11:35 हो रहा है और अभी आया हूँ मैं घर, और मीटर की रीडिंग 99,989 किलोमीटर। तो भाई घर आ चुका हूँ मैं, और आज आपकी उम्मीद और मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अर्निंग हुई रैपिडो में आज तक। ज्यादातर आपने मेरी जितनी वीडियो देखी होगी रैपिडो में, हर वीडियो में मैंने कंपनी को गाली दी है, क्योंकि भाई कंपनी गलत करती थी मेरे साथ में क्या मतलब, 3 किलोमीटर का पिकअप, 4 किलोमीटर का पिकअप। बट आज जो मैंने देखा भाई, मैं देखता रह गया भाई, ये आज क्या हो गया रैपिडो को, 1 से 1.5 किलोमीटर के पिकअप आ रहे थे सारे, तो मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं भाई इतने लंबा, मतलब कि इतने पास का पिकअप तो छोड़ना ही नहीं है। तो भाई मैंने आज रैपिडो में काम किया 14 घंटे, मतलब रैपिडो पोर्टर उबर साथ में। तो अब बात कर लेते हैं, मेरी रैपिडो में अर्निंग हुई 1481 रुपए, जिसमें 200 रुपए का इंसेंटिव भी शामिल है, 227 छोटा 200 बड़ा, तो ये मिलाकर, और साथ में मेरी पोर्टर में अर्निंग 300 रुपए की, 248 रुपए उबर में। तो भाई तीनों की अर्निंग मिलाकर लगभग 2030 रुपए की हो गई। भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने बीच में बोला था कि 1000 रुपए हो जाए और अपना घर निकलेंगे, बट भाई मैं करता गया रैपिडो देता गया, मैं करता गया भाई साहब, जो मजा आया है ना काम करने में, दिल खुश हो गया भाई। मैंने 50 राइड का और सब्सक्रिप्शन ले लिया, बेटा जब तक मिल रहा है ना लपेट ले, अब क्योंकि कल से नया दिन स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेहनत करूंगा, फिर और ज्यादा राइड करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो भाई मैं बिल्कुल टोटल ओनली रैपिडो करूंगा, कुछ और करूंगा ही नहीं। और आज मेरी बाइक पता कितने किलोमीटर चली, 227 किलोमीटर, तो 430 रुपए का समथिंग पेट्रोल लग गया होगा, 60 का एवरेज देती है स्प्लेंडर, 55-60 का, उस हिसाब से 400-450 का पेट्रोल लगा होगा। तो आज 14 घंटे काम करके मुझे 1600 रुपए बचे, भाई साहब बहुत खुश हूं मैं, बस अंदर से दिल गार्डन गार्डन हो रहा भाई, मजा ही आ गया। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आज रैपिडो के लिए कोई बुराई नहीं है क्योंकि आज हमारे साथ बुरा नहीं करा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अर्निंग की टिप्स आप सभी को देता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।